नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, वहीं इसके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य बदरुद्दीन अजमल ने सभी मुसलमानों से 20 से 25 जनवरी तक अपने घरों में रहने का आग्रह किया है। उन्होंने भाजपा को इस समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उनका ये बयान आया है। उन्होंने भाजपा को समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उनका कहना है कि हमें सतर्क रहना होगा, मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी तक यात्रा करने से बचना चाहिए। पूरी दुनिया राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति स्थापित होते देखेगी। लाखों लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से यात्रा करेंगे। शांति बनाए रखनी होगी। वो असम के बरपेटा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। असम के बरपेटा जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि असम में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने असम में डी वोटर और NRC से संबंधित समस्याएं पैदा कर दी थी और इसमें पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं इनके बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि BJP मुसलमानों से नफरत नहीं करती, हम सबका साथ सबका विकास विश्वास के मंत्र पर काम करते हैं। अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्वी वाद इकबाल अंसारी रहे हैं। राम मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित किया गया और वो प्रार्थना में भी भाग लेंगे। बदरुद्दीन अजमल ओवैसी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। आपको बता दें कि बदरुद्दीन के इस बयान से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासी हलचल पैदा हो गई है, जहां BJP भी इनके बयान पर पलटवार कर रही है। वहीं इस तरह से और भी तमाम पार्टियां हैं जो भाजपा को लेकर तमाम तरह के वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। राम जन्मभूमि को लेकर तमाम तरह के बयान नेताओं के आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। निमंत्रण पत्र को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं BJP भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।